आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। व्हाट्सएप डाटा की इंफॉर्मेशन के हवाले से अभी तक तो आप नोटिफिकेशन पढ़ चुके होंगे और उसके बारे में जान भी चुके होंगे कि उसमें किस तरह का डाटा जो है वो शेयर करने और उसे बेचने के हवाले से बात की गई है, जैसा कि आपका मोबाइल नंबर, आपकी लोकेशन, आपका आईपी एड्रेस वगैरह, कि बैटरी की क्या कंडीशन है, आप कौन कौन सी चीज़ें पसंद करते हैं, कौन सी चीज़ें आप सर्च करते हैं, इसके हवाले से शेयरिंग। अगर आप ये इंफॉर्मेशन जो कि इस नोटिफिकेशन में बताई गई है अगर इकट्ठा करते हैं तो यकीन जाने कि ये बड़े फ़ायदे की बात है। एक इतलात के मुताबिक अब व्हाट्सएप जो है वो एक नई सर्विस शुरू करने जा रहा है जिसमें ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम होगा। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकेंगे, व्हाट्सएप से ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकेंगे मुख्तलिफ इदारों को। आप ये सोचकर घबराए हुए हैं कि व्हाट्सएप जो है वो आपका डाटा शेयर करेगा और उसे बेचेगा, जबकि ये काम तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे वर्क करने वाली कई ऐप्स, कई इदारे जो हैं वो कर रहे हैं। लोगों को इस बात से घबराहट इसलिए हो रही है क्योंकि ऑलरेडी जो है जो इदारे या ऐप्स ये काम कर रही हैं डाटा कलेक्शन का, वो आपको आगाह नहीं करती इस हवाले से। लेकिन व्हाट्सएप पहली दफ़ा उन्होंने रिटर्न जो है वो सामने लेके आया है ये चीज़, और इस वजह से लोग घबराए हुए हैं। जबकि आप सोशल मीडिया पे जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल में कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वो ये सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से इस तरह का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और उसे मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और आप अलाउ कर दें ऑलरेडी इसको। अगर आप व्हाट्सएप से निकल भी जाते हैं, किसी और लिंक का इस्तेमाल कर लेते हैं या कि किसी ऐप पे चले जाते हैं, कोई ऐप आपको मिल जाती है, तो आपके पास ऐसा क्या प्रूफ है, क्या ऐसा आप इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि वो ऐप इस तरह के काम नहीं करेगी, वो आपका डाटा इकट्ठा नहीं करेगी, वो आपका डाटा शेयर या सेल नहीं करेगी। ये बात एक याद रखें कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं मिलती है, हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत चुकाना होती है, चाहे वो पैसों में हो या इंफॉर्मेशन के हवाले से हो या डाटा शेयर करने के हवाले से हो। आप ये ज़रा सोचें कि इतनी बड़ी कंपनीज जो करोड़ों रुपए के टैक्सेस पेड करती हैं, वो एक सर्विस आपको क्यों खरीदें, उसकी क्या ऐसी रीजंस हैं कि आप उनकी सर्विस जो है इस्तेमाल करें, उसके रिजल्ट भी 100% लें और आपको कुछ चार्ज भी ना करना पड़े, उसके बदले में आपसे वो कुछ भी वसूल ना करें। यकीन जाने कि इस दुनिया में आप जो कुछ इस्तेमाल करते हैं उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पेड करना पड़ता है, अदा करना पड़ता है। इसके अलावा जो है वो मुमकिन ही नहीं कि आपको कोई सर्विस दी जाए और उसके लिए कुछ ना कुछ आप अदा ना करें, चाहे वो पैसों की सूरत में हो या किसी और सूरत में। कोई भी सर्विस या कोई भी जो है वो मरात आप लेते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ आप पेड करें। आप ये सोचें कि जो भी बड़ी कंपनीज हैं जैसे व्हाट्सएप है या फेसबुक है, जो कि करोड़ों रुपए के टैक्सेस पेड कर रही हैं, तो वो किस वजह से आपको फ्री सर्विसेज दे रही हैं? आखिर कोई बात तो है, कोई चीज़ तो वो पहले ही आपसे ले रहे थे, लेकिन उसको अब बस उन्होंने एक वेरीफाइड किया है या उन्होंने आपके नोटिस में दिया है कि हम ये कर रहे हैं, ये करेंगे। हालांकि जो शख्स अपनी जेब से करोड़ों रुपए टैक्स पेड करता है और उसके बदले में वो आपको फ्री सर्विसेज देता है, तो कोई तो बात है, कोई तो ऐसी चीज़ है जिसके लिए वो आपको ये सर्विस दे रहा है, कुछ ना कुछ तो वो आपसे वो ले रहा है, यकीनी बात है। यकीन जाने कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है जो कि फ्री हो और जिसके कोई चार्जेस ना हो, हर चीज़ के चार्जेस हैं और आप पेड करते हैं, चाहे वो पैसों की सूरत में हो, चाहे वो अपने आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेकर दी जा रहा हो या आपका किसी मकसद के लिए भी डाटा लिया जा रहा हो। क्योंकि अब जदीद दौर है तो अब पैसों से बात आगे निकल चुकी है, आपका डाटा एक बड़ी अहमियत रखता है इस दुनिया के अंदर और उसे शेयर किया जा सकता है। या तो आप एंड्रॉयड मोबाइल रखना छोड़ दें, आप इंटरनेट से दूर हो जाएं, तो इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं, अदरवाइज आपको ये डाटा जो है वो देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अब फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। मियां इकराम, पाकिस्तान जिंदाबाद।